हाय एवरीवन, मैं हूँ कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक वकारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने आपके क्लास 11th के 5th चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने रूट एंड रूट के जो रीजन्स हैं उनके बारे में डिटेल में समझा था, डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं, उससे आगे जो है आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है वो खोल लेते हैं। आपने भी एनसीईआरटी से ही जो है चीज़ों को पढ़ना है और आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसे हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। जो आप अपने नोट्स बनाते हैं तो ऐसे बनाने हैं कि रिवीजन करते हुए आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी का जो है देख कर या किसी से जो है कॉपी करके कभी भी नोट्स मत बनाइए। नोट्स का मतलब है कि वो आपको याद करवाने के लिए, आपको चीज़ों को जो आपकी चीज़ें हैं उन्हें और जो है सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम की, ठीक है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता है जो स्टेम है वो क्या है, असेंडिंग पार्ट है एक्सेस का, जिसके ऊपर क्या होंगे, ब्रांचेस होंगे, लीव्स होंगे, फ्लावर एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टेम ही जो है मेन पार्ट है जिसके ऊपर सारा जितना भी शूट सिस्टम है वो बनता है, ठीक है। फ्रूट आ गया, लीफ आ गया, फ्लावर आ गया, ठीक है। जो भी ग्राउंड से ऊपर जो चीज़ें बन रही हैं वो किसके ऊपर बनेंगी, स्टेम के ऊपर बनेंगी, ठीक है। तो स्टेम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। कहाँ से अराइज होता है, डेवलप्स फ्रॉम प्लिम्यूल। मैंने पहले भी बताया है रेडिकल एंड प्लिम्यूल जो हैं दो चीज़ें निकलती हैं जब सीड हमारा जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो जर्मिनेशन पर जो रेडिकल है वो रूट बनाएगा और जो प्लिम्यूल है वो शूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। तो लास्ट सेशन भी आप जो है एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी मैंने रूट और रूट के जो रीजन्स हैं वो बताए हैं, ठीक है। स्टेम के ऊपर जो है नोड्स एंड इंटर नोड्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, लेकिन फिर बता देती हूँ, ओके। तो हम कहाँ थे, तो हम बात कर रहे थे कि जो स्टेम है उसके ऊपर नोड्स एंड इंटर नोड्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका स्टेम है, ठीक है, इसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो नोड कहाँ प्रेजेंट होगा, नोड होगा वो पोर्शन जहाँ से लीव्स अराइज हो रही हैं, क्योंकि नोड का जो है फंक्शन ये है कि यहाँ से नई चीज़ें अराइज होती हैं, लीव्स अराइज होंगे या फिर ऑर्गन जो है प्लांट के बनते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह है इसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। और इंटर नोड कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटर नोड जो है आपका दो नोड के बीच में जो स्पेस है या फिर पोर्शन है, इस पोर्शन को हम इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन ये है कि ये प्लांट को हाइट देता है, प्लांट की जो है ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है इंटर नोड एंड नोड जो है आपके स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, और साथ में इंटर नोड के साथ नोड के साथ यहाँ पर बड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सिलरी भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। एक्सिलरी का मतलब है ऐसा बट जो कि लीफ या फिर जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है या फिर ऑर्गन है और स्टेम के बीच में जो नोड प्रेजेंट होगा उसे हम एक्सिलरी बड कहते हैं, बीच में, ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है जो कि क्या है, टर्मिनल पर बड प्रेजेंट हो, कुछ इस तरह से स्टेम आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टर्मिनल में मतलब एंड पे जो है एक क्या होगा, या फिर टॉप पर जो है बड प्रेजेंट होता है, तो उस बड को हम कहते हैं टर्मिनल बड, ठीक है, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टेम इज जनरली ग्रीन वेन यंग एंड लेटर बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन, ठीक है। जो हम बड़े बड़े ट्री देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो डार्क एंड ब्राउन पोर्शन है, ठीक है, स्टेम जो है काफ़ी हार्ड है, ठीक है, डार्क एंड ब्राउन है। तो वो एक्चुअल में स्टेम है जब आपका जो ट्री है वो ओल्ड हो रहा है या फिर ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर वो जो है वुडी हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्लांट अभी न्यू है तो वहाँ पर स्टेम जो है वो कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। तो स्टेम का काम क्या है, फंक्शन क्या है, पहले तो ये क्या करता है, स्प्रेडिंग ऑफ आउट ब्रांचेस बियरिंग, स्टेम जो है ब्रांचेस बनाता है जिसके ऊपर क्या है, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट जो होते हैं, ठीक है। जितना भी शूट सिस्टम प्लांट में है वो कौन बनाता है, स्टेम ही बनाता है, क्योंकि उसी के ऊपर नोड प्रेजेंट होते हैं, इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं, तो वहीं से चीज़ें जो है नई नई चीज़ें जो है जो भी प्लांट में होती हैं वो आती हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होती हैं, ओके। दूसरी चीज़ ये कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल्स को एंड फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। जो ग्रीन पार्ट किसी भी प्लांट का, कोई भी प्लांट है, कोई भी पार्ट है प्लांट का ग्रीन, वो जो है हमेशा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है,
ग्रीन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस का क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, साथ साथ में कब क्या कभी कभार क्या होता है, जो स्टेम है वो फंक्शन करता है एज अ स्टोरेज करता है फूड की, और सपोर्ट भी देता है एंड प्रोटेक्शन भी देता है, और एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके स्टेम के बारे में बताई है। अब हम जो है लीफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं स्टेम के बारे में, क्या क्या है, कहाँ से डेवलप होती है, डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल, ठीक है, कहाँ से, ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है, या फिर जर्मिनेशन के टाइम पर प्लीम्यूल से जो है ये हमारा स्टेम जो है निकलता है, ठीक है। स्टेम हैज, स्टेम बेयर्स नोड एंड इंटरनोड्स, ठीक है। और साथ में जो स्टेम है, कई कई स्टेम्स कैसी होती हैं, अंडरग्राउंड भी होती हैं, जैसे कि टर्मरिक आ गया, जिंजर आ गया, फिर जो पोटैटो है वो भी एक स्टेम है, फिर या फिर अनियन, गार्लिक, ये सब क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, क्योंकि कई बार जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, फिर उन्हें जो है ग्रोथ के लिए पर्टिकुलर जो है कंडीशन चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, तो फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी जो है कुछ ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम ही अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि रूट जो है कई बार कैसी होती हैं, एडवेंटिशियस रूट होती हैं, ठीक है, जो कि बाहर होती हैं, है ना। तो उसी तरह कुछ जो है स्टेम अंडरग्राउंड भी होती हैं, जैसे कि हम बात करें राइजोम की, जो ऐसे स्टेम जिनके ऊपर राइजोम्स होंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या आ गया, जिंजर आ गया, ठीक है, या फिर बल्ब होगा, ठीक है, तो वो अनियन एंड गार्लिक आ गया, ठीक है, फिर आपका आया ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं, पोटैटो, तो ये सारे क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके अंडरग्राउंड स्टेम्स के, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे लीफ के बारे में। लीफ के बारे में मैं जो है आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम जो है डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए आपका स्टेम है, ठीक है, स्टेम से जो लेटरल साइड है, मतलब साइड पे क्या होगी हमारी लीफ प्रेजेंट होगी, ठीक है, लीफ बना लेते हैं हम, ठीक है, इस तरह से जो है वेन्स भी प्रेजेंट होती है लीफ में, ओके। तो अब जो आपकी लीफ है उसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, लीफ के हम जो है तीन पार्ट आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। पहला पार्ट जहाँ से लीफ जो है स्टेम के साथ क्या है कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं लीफ बेस, और क्या कहेंगे इसे, और हम कहते हैं हाइपोपोडियम, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। दूसरा आप देख पा रहे हो लीफ बेस के ऊपर एक स्टॉक है, ठीक है, ओके, तो ये कहलाता है पिटियोल। सेकंड हमारा क्या है, पिटियोल, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोपोडियम, ओके। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है जिसको हम पीटियोल कहते हैं, और ये क्या है, लीफ का स्टॉक होता है, ठीक है, ठीक है, यहीं से जो है स्टेम के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई लीफ बेस, सॉरी लीफ ब्लेड, ये जो है आपका क्या है, लीफ ब्लेड है, या फिर हम इसे कहते हैं लेमिना, ओके, और क्या कहेंगे, एपिपोडियम, यहीं पर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये जो है ये क्या है, वेन्स है, और जो आप स्टॉक देख रहे हैं ये क्या है, मिड रिब है, ठीक है, ये क्या करती है, सपोर्ट देती है किसको, लीफ को, ठीक है। तो ये जो है क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है लीफ का। यहाँ पर भी जो है बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड, क्योंकि ये दो चीजों के बीच में है, एक्सिलरी बड, जहां से नई ब्रांचेस भी अराइज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या आया, स्ट्रक्चर आया। साथ में कई प्लांट्स में क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं दोनों तरफ से क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे हम कहते हैं स्टिप्यूल, ठीक है, क्या कहेंगे, स्टिप्यूल कहेंगे, जिसका काम है बड को प्रोटेक्ट करना,
प्रोटेक्शन ऑफ बड. ओके, तो मैक्सिमम जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी है मैंने आपको डायग्राम से बता दिया है. ठीक है, अब हम जो है पढ़ लेते हैं वापस से एनसीईआरटी को. ठीक है, लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैट टर्न्ड स्ट्रक्चर बोन ऑन द स्टेम. ठीक है, स्टेम्स पर बोन होता है. इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स बड इन इट्स एक्सिल. ठीक है, द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच. मैंने बताया जो बड हमने बनाया था वो क्या है, एक्सिलरी बड है और वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं. ठीक है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, जैसे कि जो रूट में आपके जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है जहाँ पर सेल्स बनते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है जो कि लीफ को स्टेम के एपिकल से लीफ जो है ओरिजिनेट होती है. ठीक है, आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर. अब एक्रोपिटल ऑर्डर क्या है बच्चों, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है. जो एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ पर जो लीव्स होंगी एक प्लांट की, ठीक है, मान लीजिए ये स्टेम है. ठीक है, ब्लैक से बनाती हूँ. ठीक है, ये मान लीजिए आपकी स्टेम है. ठीक है, तो जो आपके पहले ओल्ड लीफ है वो नीचे आएंगी. ठीक है, और जो न्यू लीफ है, छोटी लीफ है, वो ऊपर आएंगी. तो इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, इस ऑर्डर को हम कहते हैं एक्रो पेटल ऑर्डर. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ओल्ड लीव्स हैं जो पहले बनी है वो ऊपर होंगी, जो नई लीव्स बनेंगी वो ऊपर की तरफ बनेंगी. ठीक है, और जो ओल्ड और लीव्स हैं वो क्या होंगी, नीचे होंगी, न्यू लीव्स. ओके, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन. ठीक है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो कौन सा है, लीफ है, क्योंकि यहीं पर मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये आपका मैंने जो आपको बताया पूरा स्ट्रक्चर, लेमिना बता दिया, स्टिप्यूल बता दिया, पीटियोल बता दिया, एक्सिलरी बड बता दिया, लीफ फेस बता दिया. ठीक है, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, लीफ फेस, पीटियोल एंड लेमिना. द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस. ठीक है, मैंने बताया आपको, एंड मे बेयर टू लेटर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्टिप्यूल, जो कि प्रोटेक्ट करता है बड को. ठीक है, ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मोनोकोट है आपके, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए लीफ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक मोनोकोट की लीफ है. ठीक है, तो लीफ बेस जो होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, काफ़ी जो है जगह जो है कवर करता है, ताकि स्टेम को वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है, इन मोनोकोटिलीडॉन्स लीफ बेस एक्सपैंड इनटू अ शीथ कवरिंग. ठीक है, कवरिंग जैसी बन जाती है जिसकी वजह से स्टेम जो है हाइड हो जाती है. एक मिनट. ठीक है, क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए आपका स्टेम है. ठीक है, तो मोनोकोट में क्या होगा, इस तरह से बेस है, तो कुछ इस तरह से क्या होगी, लीफ जो है कवर कर लेगी किसको, स्टेम को. ठीक है, ताकि हाइड हो जाए स्टेम. ठीक है, ओके, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, लीफ बेस जो है स्वेल हो जाती है. ठीक है, स्वोलन बन जाती है, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पल्विनस. ठीक है, कैसी होगी, कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपका स्टेम है, ठीक है, तो बेस कैसा हो जाएगा यहाँ पर, तो लीफ बेस कुछ इस तरह से स्वोलन हो जाएगा. ठीक है, बाकी लीफ तो सेम ही होगी. ठीक है, ओके, अब इनका जो फंक्शन है वो देखते हैं हम. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल जो कि आपका क्या है, स्टॉक है, किसका, लीव का, जो हमने देखा है. ठीक है, अलो लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, जो लहराती रहती है विंड्स में, ताकि नई जो है फ्रेश एयर जो है लीव के सरफेस में आए और कूलिंग करती रहे लीव की. ठीक है, ओके, और दूसरी चीज़ जो लेमिना है या फिर लीफ ब्लेड है, वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, जिसके अंदर वेन्स एंड वेनलेट जो है प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एक मिनट, ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये वेन है. ठीक है, फिर यहीं से जो है वेनलेट्स में निकलेंगी, जो आप देख पा रहे हैं ये जो है इस तरह से वेनलेट्स निकल रही हैं. ठीक है, ये मिड रिब है, ओके, और ये वेन्स है, समझ आया था. देयर इज यूजली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिडरिब.
ठीक है, ओके। वेन जो है रिजिडिटी देती है लीफ बेस को, लीफ ब्लेड को, सॉरी, ठीक है। और चैनल है जहाँ से पानी, मिनरल्स, खाना जो है आता जाता है, खाना जो है दूसरे पार्ट तक पहुँचता है, पानी जो है दूसरे पार्ट तक पहुँचता है, ठीक है। तो एक चैनल की तरह भी, चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह जो है काम करता है, ठीक है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन। अब इंसीजन ऑफ लेमिना क्या है, आपने देखा होगा ना, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जो लेमिना है, जो बेस है, वो कैसा है, बिल्कुल एक कवर की तरह है, ठीक है। यहां पर कहीं भी आपको कट जो है नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो यहाँ पर जो लेमिना है वो इंसीजन इंसीज्ड है, मतलब यहां पर क्या है, छोटे छोटे कट जो है आपको लीफ में दिख रहे हैं, ठीक है ना, है ना। तो ये जो है आपका क्या आया, इंसीजन ऑफ लेमिना है, जो कि काफी प्लांट्स में डिफरेंट टाइप का होगा, जो लीफ है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होगी आपके प्लांट्स में होगी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। पहले तो बात कहाँ से डेवलप होगा, डेवलप्स फ्रॉम नॉड स्टेम, ठीक है, क्या है, लेटरल फ्लैटेंड पार्ट ऑफ पार्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम या फिर ऑन स्टेम, ठीक है। तीसरी चीज क्या की, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, यहीं से ओरिजिनेट ये हो रहा है। तीसरी चीज कि कैसे अरेंज होते हैं ये, अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर, जो कि छोटी लीव्स जो है ऊपर होंगी, यंग लीफ ऊपर होंगी और ओल्ड लीफ जो है नीचे होंगी, ठीक है, ओके। और ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर फोटो सिंथेसिस, ठीक है, समझ आ गया। तीसरी चीज हमने देखी कि जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, वहां पे जो है ये कैसे होंगे, लीफ वेस्ट जो है स्वॉलन होता है, जिसे हम कहते हैं पल्मिनस, ठीक है, ओके, जो कि हेल्प करता है जो लीफ है उसकी ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन को चेंज करने में, ठीक है। हमने देखा भी, अब फंक्शन भी देख लिख लेते हैं हम इसकी, जो लीफ के फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लीफ पार्ट, लीफ के जो पार्ट है उनके फंक्शन देख लेते हैं। पहली बात क्या है, हमारे पास लीफ बेस आया, क्या आया, लीफ बेस आया, जो हेल्प करता है ब्लेड को या फिर जो लीफ का लेमिना है उसे लाइट में रखने के लिए, क्योंकि अगर वो लाइट में नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। हेल्प होल्ड द ब्लेड लेमिना टू लाइट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हमारी लीफ बेस जो है ये हो गया, दूसरा क्या आया, स्टॉक या फिर पीटियोल क्या करता है, हेल्प्स इन कूलिंग, ठीक है, कूलिंग एंड प्रोवाइड फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, ठीक है। तीसरी चीज हमारी क्या है, लीफ लैमिना है, लैमिना फोटो सिंथेसिस फूड वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वेन्स है, मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विनेशन की, विनेशन क्या है, विनेशन बच्चों आपका क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट जो हमने पढ़ी थी लीफ में, उनका अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल है या फिर रेटिकुलेट है, ठीक है। विनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है।
अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना ऑफ लीफ। ठीक है, देखो जो आपकी वेन्स हैं, ठीक है, तो विनेशन जो है वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक तो होगी हमारी रेटिकुलेट, जिसमें कि क्या है, ये हमारा एक लीफ आ गया, तो वेन्स, ये तो मिड रिब है, मिड रिब तो सेम ही होगी दोनों में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे एक वेन आई, ठीक है, एक और आई, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, रेटिकुलेट जो है वेनिनेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बन रहा है वेन्स का। ठीक है, यहाँ से क्या है, वेनलेट्स निकल गई, यहाँ से निकल गई, इस तरह से क्या है, छोटे छोटे जो है वेन्स निकल रहे हैं और एक नेटवर्क जो है बना रहे हैं लेमिना में। ठीक है, तो ऐसे जो लीफ होंगे उन्हें हम कहते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट विनेशन। और ये मोस्टली कहाँ होते हैं, मोस्टली ये होते हैं डाइकॉट में। ठीक है, डाइकोट जो प्लांट हैं आपके, उनमें मोस्टली रेटिकुलेट वेन होंगे, जो कि क्या है, नेटवर्क ऑफ वेन्स, कहीं से भी वेन्स जो है ओरिजिनेट हो रही है, कहीं से भी नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है पैरेलल वेनेशन, जिसमें क्या होगा, जितनी भी वेन्स है वो पैरेलल होंगी एक दूसरे की, जैसे कि मोनोकोट में ये होगा, ये आपके पास जो है मिड रिब आ गया, ये आपकी क्या आ गया, लीफ आ गया। ठीक है, अब जो वेन्स हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं बन रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है वेन्स बनी हुई हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेन्स। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ कहीं से कहीं और से जो है वेन्स नहीं निकल रही है, कि यहाँ से वेन्स नहीं निकल रही है, जो है नेटवर्क नहीं बन रहा है। और ये मोस्टली कैसा होगा, कहाँ पाए जाएंगे, आपके मोनोकोट में। ठीक है, तो इनके लीफ को देखकर ही आप बता सकते हैं विनेशन के जो है, देखकर ही विनेशन को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट मोनोकोट है और कौन सा प्लांट डाइकोट है। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके क्या आगे, विनेशन आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी से भी हम देख लेते हैं एक बार। ओके, ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन है एंड ये पैरेलल वेनेशन है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स आर इज द इन द लेमिना ऑफ लीफ टर्म्ड एज वेनेशन। ठीक है, अरेंजमेंट किसकी है, वेन्स की जो अरेंजमेंट है उन्हें हम वेनेशन कहते हैं। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। ठीक है, एंड वेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेमिना, ठीक है, द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। ठीक है, लीव्स ऑफ डाइकोटिलीडोन्स प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन, व्हाइल पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट मोनोकोटिलीडोन्स। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें आपको पहले बता दी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। वापस चलते हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, तो दो टाइप के लीफ होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इंसीजन होता है लीफ में या फिर लीफ ब्लेड में, लेमिना में। तो वहां पर क्या है, अगर सिंपल लीफ है, ठीक है, दो टाइप की होती है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ में क्या हो रहा है, जो हमारा लीफ है वो सीधा है, यहाँ पर जो है इंसीजन नहीं हुआ है, कटिंग नहीं हुई है, किसमें, लीफ ब्लेड में। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इंटैक्ट है, यहाँ से भी इंटैक्ट है, यहाँ पर कटिंग जो है आपको नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। और दूसरा हमारे पास जो है कंपाउंड लीफ है, जिसमें क्या होता है, इंसीजन होता है लेमिना में। ठीक है, जिसकी वजह से जो लेमिना है वो डिफरेंट नंबर्स ऑफ लीफलेट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं अगर बताऊँ आपको, तो ये आपके पास एक
लीफ है, ठीक है। इंसिजन की वजह से क्या हुआ, ये लीफ ब्रेक हो गई, इस तरह से जो है कट लग गए लीफ में, ठीक है, इस तरह से कट लग गए और अलग अलग जो है आपके पास क्या आ गई, लीफलेट्स आ गई। लीफ नहीं आई है, लीफ ये एक ही है, लेकिन लीफलेट्स में जो है ये क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, डिवाइड हो गए। जैसे कि मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। कुछ इस तरह से, ठीक है, आपने ऐसे लीव्स देखे भी होंगे, कुछ इस तरह से डिवाइड हो चुका है पूरा का पूरा क्या हमारा लेमिना, ठीक है। ये है एक ही लीफ, लेकिन इंसिजन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लीफलेट्स में जो है हमारा पूरा लीफ डिवाइड हो गया है, तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ, लीफ कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू इंसिजन ऑफ लेमिना, लीफ गेट्स डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, ठीक है। तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन दोनों के पास जो है एक्सिलरी बड जो है प्रेजेंट होगा, इस चीज को आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो प्लांट में या तो सिंपल लीफ हो सकती है, फिर कंपाउंड लीफ हो सकती है, ठीक है। अब जब सिंपल लीफ है उसके अंदर तो कोई खासियत नहीं है, लेकिन जो कंपाउंड लीफ है उसके भी टाइप है, ठीक है। टाइप क्या है, पहला है पिनेटली लीफ, ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, या दूसरा क्या है पामलेटली क्या है, कंपाउंड लीफ है। तो पहले लिखते हैं हम पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, जिसमें कि क्या है लीफ जो है अरेंज्ड है कॉमन एक्सिस में, ठीक है। कैसे कि मिड रिब से जो है दो रोज में लीफलेट जो है क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, तो ये हमारी मिड रिब आ गई, ठीक है। तो यहां से जो है लीफ लेट आया, यहां से भी एक लीफ लेट आया, यहां से भी एक लीफ लेट आया, यहां से भी, इस तरह से जो है दो रो जो है हमारे लीफलेट के, लीफ के जो है बन रहे हैं, ठीक है। लीफ अरेंज्ड ऑन कॉमन एक्सिस, ठीक है, लीफ नहीं एक्चुअली लीफलेट। तो हम यहां पे लिख लेते हैं लीफलेट्स अरेंज्ड ऑन कॉमन एक्सिस, जो कि क्या है टू रोज में जो है हमारे लीफ जो है अरेंज्ड है, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक आ गया इस तरफ से, और इस तरफ से एक रो जो है इस तरफ लीफ आ गई और लीफलेट आ गई, दूसरी इस रो में आ गई, तो हमारे पास दो रो जो है बन रहे हैं लीफलेट के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो है नीम जो है एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर पाइनेटली कंपाउंड लीफ होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पामलेटली। अब ये पाम का मतलब है कि एक ही जो है पॉइंट होगा जहां से कॉमन पॉइंट होगा, जितने भी लीफलेट्स है वो अरेंज होंगे, कैसे पामलेटली कंपाउंड लीफ होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा ये एक लीफ बन रहा है, एक मिनट, तो इस तरह से आया, ठीक है। एक ही जगह से जो है चार पांच लीफलेट जो हमारे निकल रहे हैं, यहां पर क्या है कॉमन पॉइंट से लीफलेट जो है आए हैं, ठीक है। लीफलेट जो है एक ही कॉमन एक्सिस पर जो है अटैच है, यहां पर क्या है मिड रिब से दो रो में जो है हमारे लीफलेट्स निकले हैं, यहां से एक आ गया, दूसरा रो यहां से आ गया, तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या है लीफलेट्स दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है कॉमन पॉइंट से जो है लीफलेट अरेंज्ड है, अटैच है, ठीक है। लीफलेट्स अटैच्ड ऑन अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट फिर है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन, ठीक
ठीक है। और मोस्टली जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से और अटैच होंगे, जो पीटियोल है मतलब स्टॉक जो है वहाँ पर एक पॉइंट होगा, उसके थ्रू ही जो है सारे लीफ जो है बेस जो है डिवाइडेड हो जाएगा किसमें, लीफलेट में, लीफ बेस नहीं सॉरी ब्लेड में, ठीक है। ओके यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, सिल्क कॉटन, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पास क्या आ गए, कंपाउंड लीफ आ गए। आई थिंक आपको ये समझ आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी की। फाइलोटैक्सी क्या है, फाइलोटैक्सी बच्चों अरेंजमेंट है लीफ की किसी प्लांट पर, ठीक है। अरेंजमेंट है लीफ की प्लांट के स्टेम पर या फिर ब्रांच पे, ठीक है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने कंपाउंड लीफ जो आपको पामलेटली या फिर पाइनेटली करवाई है वो अरेंजमेंट है लीफ लेट की, ठीक है। लीफ लेट जो है एक ही हमारा क्या होगा, लीफ होगा, ठीक है। वहाँ वो जो है लीफ है डिवाइड हुआ है इंसिजन की वजह से, उसके पार्ट हो गए हैं। लेकिन अगर हम फाइलोटैक्सी की बात करें तो वहाँ पर क्या है, डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, लीव्स प्रेजेंट होंगे, और उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी किसी स्टेम पर या किसी ब्रांच के ऊपर किसी प्लांट के, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। क्या है ये, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम या फिर ब्रांच ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के जो है अरेंजमेंट हो सकती है प्लांट की लीफ की, लेकिन हम जो है तीन पढ़ते हैं, कौन कौन से, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंड होल्ड, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है हमारा, ऑल्टरनेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके लीफ हैं किसी स्टेम के ऊपर वो कैसे प्रेजेंट होंगे, वो सिंगल सिंगल लीफ जो है एक नोड से निकलेगा। किस तरह, देखो मान लीजिए ये हमारे पास स्टेम आ गया, ठीक है। स्टेम के ऊपर ये नोड है तो यहाँ से एक जो है हमारा लीफ निकल गया, दूसरा नोड यहाँ पर है तो यहाँ से एक और लीफ निकल गया, फिर तीसरा यहाँ पर है तो तीसरा नोड लीफ जो है यहाँ से निकला है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो चाइना रोज आ गया, मस्टर्ड आ गया, सनफ्लावर जो है कैसा होगा, चाइना रोज, ठीक है, मस्टर्ड हो गया एंड सनफ्लावर में ऐसी ही अरेंजमेंट होती है। ये आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास अरेंजमेंट क्या है, दूसरा हम कहते हैं ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट में क्या होगा, दो जो है लीफ एक नोड से निकलेंगे लेकिन कैसे होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। कैसे, ये स्टेम आ गया हमारा तो यहाँ से ये नोड है तो एक लीफ यहाँ से निकलेगी और इसी के ऑपोजिट एक और जो है लीफ होगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी जगह जहां पे नॉट प्रेजेंट है वहां पर एक और उसके अपोजिट एक और, ठीक है। तो दो यहां पर जो है एक नॉट से क्या निकल रही है, हमारी लीफ आ रही है, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीफ, ठीक है, पेयर ऑफ लीफ राइजेस फ्रॉम वन नॉट, ठीक है, जो कैसी है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अपोजिट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो गुआवा एंड जो आपका आपका कैलोट्रोपस है वो क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल गुआवा एंड कैलोट्रोपस, एक इनका एग्जाम्पल है। अब तीसरा क्या है, तीसरा होल्ड है, मतलब क्या होगा यहाँ पर, वर्ल्ड है। यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर दो से ज़्यादा जो है लीफ अरेंज होंगी एक ही नोड पर, ठीक है, एक ही पॉइंट पर जो है एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एक्चुअली क्या होंगे लीफ अरेंज होंगी, तो उसको हम कहेंगे होल्ड, वॉल्ड कहते हैं, होल्ड कह रही हूँ मैं, ठीक है, वॉल्ड कहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये स्टेम आया तो एक दो तीन यहाँ पर आ गए, एक दो तीन यहाँ पर आ गए, एक दो तीन या तीन से ज़्यादा भी हो सकते, दो से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं वॉल्ड। और यहाँ पर क्या होगा, मोर देन टू लीफ अरेंज ऑन अ नोड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एस्टोनिया एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एस्टोनिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आपका आ गया फाइलोटैक्सी, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी से भी एक बार देख लेते हैं ने? टाइप्स ऑफ लीव्स, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर, ठीक है, और विदाउट इंसिजन, ठीक है, यहां पर कट नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे लीफ को हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे, लेकिन जब इंसाइज्ड है, मतलब इंसिजन हुआ है, कटिंग हुई है, तो वहां पर जो लेमिना है, ठीक है, वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट किसमें, लीफलेट्स में, ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, पाइनेटली, ये पामलेटली है, ठीक है, ये एक ही पॉइंट से देखो कितने सारे जो है लीफलेट जो है अरेंज है, अटैच है, ठीक है। और पाइनेटली में क्या हो रहा है, दो रो बन रही हैं किसकी, लीफलेट्स की, यहाँ पर भी एक लीफलेट है, यहाँ पर भी एक लीफलेट है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। इंसीजन जो है लेमिना तक ही होती है, मिड रिब जो है नहीं होती है इसमें अरेंज, ठीक है, ओके। बड तो प्रेजेंट होगा ही होगा हर जगह, ठीक है, ये आ गया। अब पाइनेटली मैंने भी बता दिया आपको और पामलेटली भी बता दिया, ठीक है। अब हम फाइलोटैक्सी देखें तो फाइलोटैक्सी में क्या हो रहा है, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है। दिस इज यूजली ऑफ थ्री टाइप, कौन कौन से, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वॉल्ड, ठीक है। द ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, जहां पर एक सिंगल लीफ ही है जो अराइज हो रही है, कहां से, एक ही, मतलब ईच नोड से जो है एक ही जो है क्या होगी, लीफ अराइज होगी, तो वो कैसे होगी, ऑल्टरनेट मैनर होगा, ठीक है, जैसे कि चाइना रोज में या मस्टर्ड या फिर सनफ्लावर प्लांट में, ठीक है। दूसरा हमारे पास अरेंजमेंट क्या है, ऑपोजिट, जिसमें कि क्या होगा, पेयर होगा लीफ का अराइज कहां से, एक नोड से, ठीक है, जो कि ऑपोजिट होगा एक दूसरे के, ठीक है, जैसे कि कैलोट्रोपिस एंड गुआवा में, ठीक है। फिर हम बात करें तो तीसरा हमारे पास वॉल्ड है, जिसमें क्या हो रहा है, एक पॉइंट से दो से ज़्यादा जो है लीव्स अराइज हो रही हैं, और जैसे कि एग्जांपल के लिए एल्स्टोनिया जो है एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, द इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस क्या है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, क्या है, अरेंजमेंट ऑफ, ओके, तो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, फिर से चलते हैं वापस हम। तो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, तो कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। हम पहुंचे थे कि हम अपोजिट जो है अरेंजमेंट की हम बात कर चुके थे, हम वर्ल्ड की बात कर चुके थे, अब हम बात करने वाले थे इनफ्लोरेसेंस की, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट है फ्लावर की किसके ऊपर, स्टेम या फिर ट्री के ऊपर, ठीक है, एक प्लांट या फिर ट्री पे जो फ्लावर्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है, तो उसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। वापस चलते हैं, ओके, क्या है, इनफ्लोरेसेंस, जिसका मतलब है अरेंजमेंट
ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट या फिर ट्री के ऊपर अरेंजमेंट है। देखो जब एक एक कंडीशन एक और होती है जिसको हम कहते हैं सॉलिटरी। यहाँ पर क्या है, एक प्लांट पर एक ही या फिर जो शूट टिप है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फ्लावर में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट है और यहाँ पर फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, तो उसे हम कहते हैं सॉलिटरी, ठीक है। क्या कहेंगे, सॉलिटरी कहेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस नहीं है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस तब होगा जब मल्टीपल फ्लावर जो है एक प्लांट पर प्रेजेंट है, तब हम अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो जो इनफ्लोरेसेंस है वो दो टाइप के होते हैं, एक है रेसमोस, दूसरा है साइमोस, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रेसमोस, ठीक है, दूसरा हमारा साइमोस है। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो जब फ्लावर जो है लेटरल प्रेजेंट है, मतलब जो मेन एक्सिस है, ठीक है, जहां पर फ्लावर आ रहे हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो मेन एक्सिस आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो फ्लावर कैसे होंगे, लेटरल पोजीशन पे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है आपके फ्लावर प्रेजेंट होंगे, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेसमोस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। यहां पर जो मेन एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है इसके ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं होते, लेटरल फ्लावर होते हैं जिसकी वजह से जो मेन एक्सिस है वो ग्रो होती रहती है, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। और कैसी ग्रोथ होती है, इनडेफिनाइट, ठीक है। इनडेफिनाइट का मतलब होता है जिसका कोई जो है पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, लिमिटलेस जो है या फिर डिटरमाइंड जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं फर्स्ट चीज क्या, फ्लावर्स फ्लावर्स बोन बोन लेटरली ऑन मेन एक्सिस, ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा ये कि जो मेन एक्सिस है के ऊपर जो है फ्लावर नहीं आता है, ठीक है, ओके, कंटिन्यूस टू ग्रो विच लीड्स टू क्या होता है यहाँ पर, उसकी वजह से इनडेफिनाइट या फिर इनडिफाइंड या फिर डेफिनाइट या फिर डिटरमाइंड जो है ग्रोथ यहाँ पर हमें नज़र आती है, ठीक है, ओके, ठीक है। और जो फ्लावर होंगे आपने देखा यहाँ पर ना, ये जो फ्लावर है ये ओल्ड फ्लावर है और जो ऊपर है ये क्या है, न्यू फ्लावर है। ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक्रोपेटल ऑर्डर होगा, एक्रोपेटल ऑर्डर जो है यहां पर जो रेसमोस इनफ्लोरेसेंस है यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, जो नए फ्लावर है वो ऊपर होंगे, ठीक है, और जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे होंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड स्नैपड्रैगन, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड स्नैपड्रैगन, ठीक है। अब जो साइमोस है यहां पर क्या हो रहा है, यहां जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट होकर क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। किस तरह से, ये मान लीजिए मेन एक्सिस है, ठीक है, तो यहां पर जो है फ्लावर होगा, यहां पर भी फ्लावर होगा, ओके, तो मेन एक्सिस भी जो है क्या हो जाती है, टर्मिनेट होकर एक फ्लावर बन जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना, तो यहां पर क्या है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है, यहां पर भी क्या है, लिमिटेड ग्रोथ होगी। और जो हमारा रेसमोस है वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की, कितनी भी ग्रोथ हो सकती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, ये क्या होगा, बेसिपिटल होगा, मतलब कि जो ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर होगा, ठीक है, ये ओल्ड फ्लावर है और जो न्यू फ्लावर है वो नीचे होंगे,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, बेसिपिडल ऑर्डर होगा। ठीक है, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ, मेन एक्सेस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ठीक है, बीच में, ठीक है, दूसरा लिमिटेड ग्रोथ यहां पर होगी क्योंकि मेन एक्सेस में ही जो है फ्लावर हमें मिल गया है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगा, बेसिपिटल ऑर्डर जो है यहाँ पर हमें नजर आएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैस्मिन आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल जैस्मिन जो है एक एग्जाम्पल है किसका, साइमोस का। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके क्या आ गए, इन्फ्लोरेसेंस आ गया, जिसमें कि एक तो चीज सॉलिटरी है जिसमें कि एक ही फ्लावर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां पर इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगा क्योंकि वहां इन्फ्लोरेसेंस के लिए आपके पास डिफरेंट जो है नंबर्स ऑफ फ्लावर्स चाहिए। ठीक है, मल्टीपल फ्लावर्स चाहिए। ओके, वापस चलते हैं, वापस हम एनसीईआरटी से भी एक बार रीड कर लेते हैं इसको। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, जो कि चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टम में जहां से फ्लावर जो है ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सेस टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो हमारा मेन एक्सेस है, ठीक है, एपेक्स जो है वो डेवलप होता है फ्लावर में या फिर कंटिन्यू करता है ग्रोथ में। ठीक है, ग्रो करता है, तो उसके बेसिस पे दो टाइप के हमारे पास इनफ्लोरेसेंस होते हैं, पहला रेसमोस, दूसरा साइमोस। ठीक है, तो रेसमोस में क्या हो रहा है, यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस जो है अरेंजमेंट ऐसी है कि जो मेन एक्सेस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है ग्रोथ में। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मेन एक्सेस है वो कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, और लेटरली जो है साइड से जो है फ्लावर निकल रहे हैं। ओके, जो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ लिमिटलेस होती है। एंड कैसा ऑर्डर होगा, एक्रोपेटल ऑर्डर होगा। ठीक है, मतलब कि ओल्ड जो है नीचे होंगे और जो न्यू फ्लावर है वो ऊपर होंगे। ठीक है, साइमोस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेन एक्सिस है वो ही टर्मिनेट हो रही है, लिमिटेड ग्रोथ है एंड बेसिपिटल ऑर्डर है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो मेन एक्सिस है, ठीक है, ये देखो, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, तो ये जो है यहाँ पर जो है फ्लावर बन चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है रुक गई है और यहाँ पर क्या है, लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। दूसरी तरफ आप ये नोटिस करेंगे कि जो ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर है और जो अभी नए हैं वो नीचे हैं, जो दे रहा है हमें बेसिपिटल ऑर्डर। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, हमने जो है इन्फ्लोरेसेंस तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम जो है अब फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारी ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। जल्द ही जल्द हम जो है ऑफलाइन भी शुरू करने वाले हैं नीट एनडीए के लिए, तो अगर आप हिमाचल से हैं तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और